हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो देखिए, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो सेंड की थी तो उसमें मैंने प्लेटो का महत्व तो समझाया हुआ था कि प्लेटो का क्या महत्व तो है, और इसमें जो प्लेटो ने शेप्स को लेके जो सारी कलाएं बताई थी उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि इनके क्या कलर्स और शेप्स को लेके क्या मत रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब इसमें जो है आप प्लेटो की आलोचना पढ़ेंगे और इसके बाद जो है आपका ये प्लेटो इस वीडियो में ख़त्म हो जाता है। जो प्लेटो है पूरा, इतनी सारी मैंने आप लोग को प्लेटो की वीडियोज़ भेज दी हैं, लगभग 6-7 वीडियोज़ भेज दी हैं, तो वो सारी आप लोग पीछे की वीडियो देखते रहना। और अभी हम जो है इस वीडियो के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन फिर इसके बारे में देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, प्लेटो की आलोचना में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, किस किस से कंपेयर किया गया है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि लास्ट वीडियो में क्या था। यूनानी कलाकार अपनी रचनाओं द्वारा सौंदर्य एवं पूर्णता को दर्शाने का प्रयास करते थे। तो इसमें जो यूनानी कलाकार थे उन्होंने जो है उसमें ब्यूटी और पूर्णता, मतलब उसको कंप्लीट टच देने का प्रयास करते थे। और मैंने बताया था कि ये जो है चित्रों को एक आयामी मानते हैं और मूर्ति को जो है लोग बहु आयामी मानते हैं, मतलब जो है उसमें 2D मानते हैं चित्र को, और मूर्ति को ये लोग जो है 3D मानते हैं, उसको 3D भी क्या, उसको चारों तरफ से देख सकते हैं, तो एक वो बहु आयामी है। तो मूर्ति को इन्होंने क्या बताया, मूर्तिकला को सत्य के अधिक निकट बताया हुआ है जो है अपेक्षा चित्रकला के। फिर इन्होंने बताया हुआ कि जो संगीत कलाकार होते हैं उनके अनुसार सबसे अच्छी कला जो है संगीत कला होती है, क्योंकि यह शरीर और मन को जो है वो शिक्षा देती है। फिर प्लेटो ने जो है रूपा आकृति को अधिक महत्व दिया था, तो ये आप लोग को मैंने समझाया था कि किस प्रकार इन्होंने कौन कौन सी आकृतियों को बताया हुआ है, किस किस चीज़ का प्रतीक है। जैसे वृत्त बताया था आपको कि जो सर्कल है वो गति का प्रतीक है, त्रिभुज जो है वो संतुलन का प्रतीक है, और जो वर्ग बताया था वो सिमेट्री का प्रतीक बताया हुआ था। तो समझाया हुआ था कि किस प्रकार इन्होंने जो प्रतीक माना है वो किस प्रकार माना हुआ है, और इन्होंने बताया हुआ कि जो वहाँ पर मूर्तिकला है यूनान की वो भी इसी बेस पर टिकी हुई है, किस पर, ज्योमेट्रिकल शेप्स पे। कभी फोर्थ ईयर में आप लोग जब पिकासो पढ़ेंगे तो आपको जो है ये ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड जो भी ड्राइंग होती थी, मूर्तियाँ होती थी, वो आप लोग पढ़ेंगे उसमें डिटेल में। तो इसी प्रकार प्लेटो ने जो है वो शेप्स के साथ साथ रंगों के प्रतीक भी बताए थे कि कौन सा कलर किस चीज़ का प्रतीक होता है, जैसे श्वेत शांति का, लाल श्रृंगार, क्रोध का, हरा ईर्ष्या और प्रतीक का, तो ये कलर्स के प्रतीक बताए थे। फिर प्लेटो का महत्व बताया हुआ था मैंने आप लोग को, तो थोड़ा सा बाकी रह गया था, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, 3-4 पॉइंट जो इसके बाकी रह गए थे। तो इनके महत्व में जो इमर्सन ने कोटेशन दिया था कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है, तो इस रूप में उनका महत्व बताया हुआ था। फिर जो है प्रोफेसर व्हाइटहेड ने बताया हुआ था कि संपूर्ण जो यूरोपीय दर्शन शास्त्र है वो प्लेटो के दर्शन पर लिखी हुई एक धारावाहिक कमेंट्री है, मतलब उन पर एक धारावाहिक ऐसा लगता बनाया गया हो। तो ये जो है व्हाइटहेड ने कोटेशन दिया हुआ था। तो इसी प्रकार जो है प्लेटो सदियों जो है यूरोप पर छाए हुए थे। उन्होंने एथेंस में एक एकेडमी की स्थापना भी की थी, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि अरस्तु जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो शिष्य थे उनके वो पढ़ने आते थे उनके एकेडमी में, और इस प्रकार जो है उन्होंने बहुत सारे विचारों को एकत्रित किया और सुव्यवस्थित ढंग से एक सैद्धांतिक रूप उसको दिया हुआ है। और जो है इन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि सत्यम स्वयं सुंदरम पर जो आधारित कलाएं हैं, जो सुकरात का दिया हुआ प्रभाव है, वो कैसे उन्होंने सत्यम स्वयं सुंदरम पर अपना आधार बताया हुआ है, और इनका जो नैतिक है वो बहुत अच्छा माना गया है प्लेटो का। फिर जो है इन्होंने सौंदर्य शास्त्र को आरंभ से ही प्लेटो ने एक दृढ़ बुनियादी दे दी है, और उसे नैतिकता और तत्वमीमांसा से जोड़ दिया है। तो ये तत्वमीमांसा को भी आप लोगों को समझा दिया था कि मेटाफिजिक्स क्या है। तो अब चलिए देखते हैं कि आगे प्लेटो का क्या महत्व रहा है। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि क्या है, इन्होंने जीवन के मूलभूत तत्व सत्यम शिवम सुंदरम को पाना कला का लक्ष्य माना है, मतलब इन्होंने जो जीवन का मूलभूत जो मेन माना है, मेन तत्व माना है, वो सत्यम शिवम सुंदरम को माना है, और इसको अगर मानते थे कि इसका लक्ष्य अगर आप पा लेंगे तो कला के जो उच्च श्रेणी है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है मतलब कल्याणकारी जो होता है, जो सत्य होता है और जो सुंदर होता है, यही जो है कला का लक्ष्य प्लेटो ने माना हुआ है। इसके लिए इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठकर प्रज्ञात्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब देखिए जो इंद्रिय ज्ञान है, मैंने बताया था कि ये इंद्रिय ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल ज्ञान पे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल किए हुए हैं जो उपयोग में हैं उन पर ज़्यादा ये सौंदर्यता का भाव देखते हैं। तो इन्होंने जो है वो इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठकर प्रज्ञात्मक ज्ञान को अधिक माना है कि उसको प्राप्त करना चाहिए, किसको, प्रज्ञात्मक ज्ञान को।
तो उन्होंने लौकिक कलाओं को अलौकिक आनंद व ज्ञान प्राप्त करने का साधन ही माना है। तो देखिए लौकिक कलाओं को अलौकिक आनंद का, तो जो लौकिक कलाएं बताई गई हैं जो हम लोग देख सकते हैं, और अलौकिक क्या है जो हम महसूस कर सकते हैं, तो अलौकिक आनंद व ज्ञान की प्राप्ति करने का साधन माना है जो लौकिक कलाएं हैं उनके द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा जो है आनंद और ज्ञान की प्राप्ति हम कर सकते हैं, इन्हीं का साधन है। प्लेटो ने कला का संबंध एक और अलौकिक से दूसरी ओर जो है जीवन की उपयोगिता से जोड़ा हुआ है। तो कला का संबंध इन्होंने दो तरह से बताया हुआ है कि किस किस से बताया हुआ है, अलौकिक से और दूसरा जो है वो जीवन की उपयोगिता से। तो आपको तो मैंने समझा ही दिया था कि किस प्रकार उपयोगिता जो है हमारे जीवन में कैसे आनंद भर देती है, और जो है और इसमें अलौकिक भी प्लेटो ने दूसरा बताया हुआ है। तो आप देखते हैं कि प्लेटो की आलोचना क्या है। तो प्लेटो की आलोचना ही आपका जो है लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक का, प्लेटो का लास्ट, प्लेटो के तो लास्ट हेडिंग है। तो चलिए देखते क्या है। प्लेटो ने कला में नैतिकता को अनिवार्य माना। कलाकारों का कहना है कि यदि कला में नैतिकता का अधिक आग्रह रहे तो कला के लिए एक बंधन होगा। अब देखिए जो प्लेटो का इन्होंने बताया हुआ है कि आलोचना की हुई है, मतलब क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, जो प्लेटो ने चीज़ें बताई हुई हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, मतलब प्लेटो ने जो अभी तक मत बताए हुए हैं, सारे सिद्धांत बताए हुए हैं, तो इसको जो है इन लोगों ने कैसे देखिए उसकी आलोचना की है कि उनको किस किस रूप में प्लेटो के जो मत हैं उनको गलत बताया हुआ है, आलोचना की हुई है, क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। तो प्लेटो मानते हैं कि कला में क्या है, नैतिकता अनिवार्य है, लेकिन कलाकारों का क्या कहना है कि यदि जो है कला में नैतिकता का अधिक आग्रह रहे तो कला के लिए एक बंधक होगा। मतलब इनका मानना है कि जो मोरालिटी है तो वो अनिवार्य होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए कला के लिए, ऐसा प्लेटो मानते हैं। लेकिन जो अन्य कलाकार हैं मानते हैं कि अगर जो है अधिक नैतिकता का आग्रह मतलब होता है रिक्वेस्ट वैसे, तो आग्रह हुआ तो ये कला के लिए एक बंधन होगा। मतलब जैसे कलाकार अपने आप को फ्री जो करके एकदम चित्रकला बनाते हैं, तो वैसे ही अगर नैतिकता को ये लोग ध्यान में रखेंगे तो उनके लिए एक जो है वो बंधन होगा, किसके लिए, कलाकारों के लिए। तो आगे देखते हैं क्या है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से यह अनिवार्य नहीं है कि सुंदर वस्तु किसी नैतिक उद्देश्य की पूर्ति भी करें। तो जब इसमें नैतिकता अधिक होगी तो कलाकार मानते हैं कि जो है नैतिकता का अधिक होना आवश्यक नहीं है। अगर उसमें नैतिकता अधिक हुई तो क्या होगा, उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब उसका विकास जो है वो रुक जाएगा। और सौंदर्य की दृष्टि से यह अनिवार्य नहीं है, मतलब जब कलाकार जो चित्र बनाता है उसमें अगर सौंदर्य या भाव दिखाता है तो सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से जो है इसमें ये अनिवार्य नहीं है कि नैतिकता उसमें दिखाई जाए, कि सुंदर वस्तु किसी नैतिक उद्देश्य की पूर्ति भी करे। वही बात की जो है कलाएं जरूरी नहीं है कि किसी नैतिक उद्देश्य की ही पूर्ति करें, कलाएं जो है पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड भी हो सकती हैं, जो कलाकार बनाता है उसकी लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती हैं, तो ज़रूरी तो नहीं वो किसी नैतिक उद्देश्य की पूर्ति ही करें। तो उसका उन्होंने जो है अवरोध किया हुआ है, प्लेटो का ये जो विचार था कि कलाओं में नैतिकता आवश्यक है उसका। अब सेकंड देखते हैं, नीति का प्रवचन देने वाली कला सौंदर्य की कसौटी पर भी पूरी उतरी या आवश्यक नहीं। अच्छा देखिए जो नीति बताई गई है कि जो नीति का प्रवचन देने वाली कलाएं हैं, जरूरी तो नहीं कि जो है वो उनमें सौंदर्यता सबको देख सब लोग देख पाएँ, उसमें देखी जाए, तो ये जो है पूरी तरह से आवश्यक नहीं है। ये बस प्लेटो के अनुसार ही ऐसा था कि नैतिकता होनी चाहिए, नीति का प्रवचन होना चाहिए, लेकिन जो है ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसमें सौंदर्यता जो है देखी जाए और सौंदर्यता की कसौटी पर वो खरा उतरे। तो आगे देखते हैं, कला में संवेग भी आवश्यक होते हैं, दुखद हो या सुखद। दुख संवेग भी कलात्मक आनंद दे सकते हैं, जैसे किसी पात्र को रोते देखकर रोना मन को शांति व अलग प्रकार का आनंद दे सकता है। अब देखिए प्लेटो ने माना है कि कला में संवेग होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है, कला में संवेग होना भी आवश्यक है, ये अन्य कलाकार मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दुखद भी हो सकता है संवेग हमारा, सुखद भी हो सकता है, हमारी फीलिंग्स दुखी भी हो सकती है, सुखी भी हो सकती हैं। दुख संवेग कैसे आनंद दे सकता है, जैसे दुख संवेग की कलात्मक आनंद ऐसे दे सकता है कि कोई पात्र आप लोग देखते हैं, मतलब कोई जैसे करेक्टर आप लोग देखते हैं सामने, तो जैसे वो रो रहा होता है तो आप भी उसको देख के वो सारा सीन देख के आप भी रोने लगते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, मन को शांति मिलती है। जब मन को शांति मिलती है तो फिर मन को आनंद भी महसूस होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो है कला में संवेग नहीं हो, ज़रूरी है ये कि कला में संवेग होना चाहिए, ये जो है आवश्यक माना हुआ है अन्य कलाकारों ने, लेकिन प्लेटो ने ऐसा कुछ नहीं माना हुआ है।
तो इसीलिए इन्होंने ये पात्र का उदाहरण दिया हुआ है कि सामने जब आप कोई मूवी या सीरियल देखते हैं तो अगर उसमें कोई ऐसा सीन आता है रोने वाला तो उसको देख के आपको भी वो महसूस होता है, आप भी रोने लगते हैं, तो इससे क्या होता है मन को शांति मिलती है और एक अलग प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है। प्लेटो ने इंद्रिय संवेग को कला में स्थान नहीं दिया है। वे यह तो मानते थे कि मनोभाव की स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही कला है, पर उनके मन में नैतिक आग्रह अधिक था। अब देखिए वही बात है कि वो जो है नैतिकता को अधिक मानते थे कलाओं में, तो प्लेटो ने जो इंद्रिय संवेग को कला में स्थान नहीं दिया। जो इंद्रियों से प्राप्त होती है चीज़ें, जैसे अभी ऊपर बताया कि उन्होंने कला में संवेग आवश्यक नहीं माना हुआ है, तो ऐसे ही प्लेटो ने इंद्रिय संवेग को कला में स्थान नहीं दिया हुआ है। वे यह मानते हैं कि मनोभाव की स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही कला है, मतलब जो मन से की जाए वही, जो मन की स्वतंत्रता से की जाए व्यक्त की जाए वही कलाएँ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इंद्रियों के द्वारा भी कलाओं का वर्णन होता है, कलाओं की रचना होती है। वो जो है अधिकतम किसको मानते हैं, नैतिकता को अधिकतम मानते हैं, और ये मानते हैं कि उसी का जो है नैतिक आग्रह अधिक होता है कलाओं में, ऐसा प्लेटो मानते हैं, लेकिन जो है अन्य आर्टिस्ट नहीं मानते हैं। तो अभी आगे देखते हैं क्या है और क्या आलोचना हुई है। प्लेटो ने कला को अनुकृति माना। कला किसी न किसी प्रकार के संसार की वस्तुओं से प्रभावित होती है, पर वह अनुकरण नहीं बल्कि एक मौलिक सृजन है। इसमें कल्पना और कलाकार का आत्म तत्व भी होता है, कलाकार के मन की भावनाएं भी होती हैं। अब देखिए प्लेटो ने, मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके प्लेटो का और जो अभी तक आलोचना से पहले जितनी भी सारी चीज़ें बताई उसमें कहीं ना कहीं प्लेटो का यही था कि वो अनुकृति की अनुकृति मानते हैं, अनुकरण का सिद्धांत दिया हुआ है, मतलब जो चीज़ें कॉपी की गई हैं उन्हीं में उन्होंने कलाओं के गुण देखे हैं। बताया हुआ है कि जो कला है वो जो है भगवान की जो सृष्टि बनाई गई है उसकी कॉपी की गई है, और सत्य से दो गुना दूर बताया है प्लेटो ने कलाओं को। तो इसीलिए वो मानते हैं कि प्लेटो मानते हैं कि कला को एक अनुकरण माना हुआ है, प्रकृति का भी अनुकरण माना हुआ है, और कला जो है किसी न किसी प्रकार से संसार की वस्तुओं से प्रभावित होती है, ऐसा प्लेटो ने माना हुआ है। पर वह अनुकरण नहीं, देखिए अदर आर्टिस्ट के बताते हैं कि पर वह अनुकरण नहीं, एक मौलिक सृजन है। इसमें कल्पना और कलाकार का आत्म तत्व भी होता है। देखिए ये भी सही है कि जो कलाकार सोचता है दिमाग में इमेजिनेशन करता है तो वो चीज़ें बनाता है, ज़रूरी नहीं कि हम जो सामने देख रहे हैं वही चीज़ बनाएं, वो कुछ भी इमेजिन करके बना सकता है दिमाग से। हाँ वो दिमाग की कॉपी होती है लेकिन वो मौलिक भी होती है, उनका मौलिक सृजन भी होता है। अनुकरण उसमें कहीं ना कहीं अनुकरण नहीं माना जा सकता कि उसमें अनुकरण है, किसी की कॉपी की गई है। तो कलाकार के मन की भावनाएं भी होती हैं, जो मन में वो सोचता है, जो इसको उसके भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो सारी कलाओं के द्वारा दिखाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो एक अनुकरण है, वो तो उसकी खुद की फीलिंग्स हैं। तो ऐसा अन्य आर्टिस्ट मानते हैं, बस प्लेटो मानते हैं कि जो कलाएँ हैं वो अनुकृति हैं। तो आगे देखते हैं, तो मैंने आप लोग को इसमें बताया था कि वो मूर्ति कला को जो है कला जो चित्रकला है उसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बता दी थी कि अनुकरण के बारे में कि प्लेटो ने क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कला नकल नहीं, सृजन निर्माण व पुनर्निर्माण है। यदि कला यथार्थ की नकल होती तो कैमरे के आविष्कार के बाद समाप्त हो जाती है। तो देखिए जैसे इन्होंने अनुकरण का प्लेटो ने सिद्धांत दिया है, तो अदर आर्टिस्ट क्या मानते हैं कि अगर ये अनुकरण होता, कला जो है अगर वो चित्रकला जो है वो अगर किसी की नकल होती, सृजन निर्माण है या पुनर्निर्माण है, मतलब ये कलाएं मानते हैं कि ऐसे कोई अनुकृति नहीं है, सारी कलाएं अनुकृति नहीं है, वो सृजन निर्माण है या पुनर्निर्माण है, मतलब उन्हीं को दोबारा निर्माण किया जाता है। और जो है यदि कला यथार्थ की नकल होती, जो हम लोग सामने रियलिज्म में देखते हैं, यथार्थवाद है, जो यथार्थ मतलब रियल होता है, तो जो यथार्थ में हम लोग चीज़ें देखते हैं अगर उसकी ही नकल होती तो कैमरे के जो आविष्कार के बाद ये कलाएँ ख़त्म हो चुकी होती, समाप्त हो गई होती, क्योंकि कैमरे में तो हम सब चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि उसको पेंट से बनाया ही जाए सामने देखी हुई चीज़ों को, वो तो कैमरे में कैप्चर हो ही रही हैं, है ना। तो ये मानते हैं कि कलाएं जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो कॉपी ही किया हो सामने को देख के, वो उसका मनोभाव भी हो सकता है, भावनाएं भी हो सकती हैं, आर्टिस्ट की कल्पनाएं भी हो सकती हैं। तो ऐसा और आर्टिस्ट मानते हैं कि जो है यथार्थ की नकल होती तो वो कैमरे के साथ साथ ख़त्म हो गई होती कलाओं में। तो इसलिए इस प्रकार जो है प्लेटो की आलोचना की गई है। तो आगे देखते हैं और क्या है प्लेटो के बारे में। वस्तुतः प्लेटो का सौंदर्य शास्त्र तत्व विमर्श से प्रभावित है और नीति पर अधिक बल देता है। देखिए वही सेम चीज़, नीति नैतिक पर अधिक बल देता है, बताया मैंने अभी पीछे कि प्लेटो जो है नीति पर और नैतिकता पर ज़्यादा बल देते हैं जो है। और प्लेटो का मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आप लोग को, अभी इस वीडियो में भी आप लोग को रिमाइंड कराया था
कि ये जो है तत्व मीमांसा से प्रभावित है, मतलब तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स है जो परमेश्वर से मिलने का मार्ग बताता है, और उसमें जो है यही शिवम के बारे में बताया हुआ है। तत्व मीमांसा ये दर्शन शास्त्र का से निकला हुआ एक शाखा है, ये भी जैसे सौंदर्य शास्त्र वैसे तत्व मीमांसा भी एक शास्त्र है मेटाफिजिक्स जो है। तो उसमें जो है ये जो सत्यम शिवम सुंदरम आप लोग को बताया, तो उसमें शिवम के बारे में ज़्यादा चीज़ें दिखाई बताई गई हैं, उससे रिलेटेड ज़्यादा मत बताए गए हैं। तो ये जो है उससे प्रभावित थे प्लेटो और उसी के नीति पर अलग बल देते थे। इससे शुद्ध सौंदर्य में कमी आ सकती है, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण सुखवादी नीति मूलक है। देखिए तो क्या मानते हैं, ये जो नैतिकता पर आधारित मानते हैं और जो तत्व मीमांसा पर प्रभावित मानते हैं कलाओं को, तो इससे क्या होता है शुद्ध सौंदर्यता में कमी आ सकती है। मतलब वो ये सारी चीज़ों पर प्रभावित होकर कलाकार काम करें ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, उसमें सौंदर्यता की कमी भी आ सकती है। तो कला के प्रति जो ये प्लेटो का दृष्टिकोण सुखवादी नीति मूलक माना हुआ है, तो ये जो सारी चीज़ें बताई हुई हैं तो ये सुखवादी नीति मूलक के अंतर्गत माना गया है। आधुनिक युग के विचारकों में रॉस्किन और टॉलस्टॉय ने इस सिद्धांत का पुनरुत्थान किया हुआ है। अब देखिए जो रॉस्किन है और जो टॉलस्टॉय हैं, इनको फिर से जीवित किया गया है। किसको? जो प्लेटो ने बताया हुआ है उनको। जैसे मैंने आप लोग को बताया ना कि कई सारे दार्शनिक हैं जो एक दूसरे के मत से जो है सहमति भी दिखाई है उनके मत पर, फिर उनको भी आगे आलोचना नहीं की है बल्कि उनको आगे बढ़ाया है उन्होंने, उनके मतों को उन्होंने आगे बढ़ाया हुआ है। तो ऐसे ही आधुनिक युग में जो है विचारकों में कौन कौन है, रॉस्किन और जो है टॉलस्टॉय, इन्होंने इसके सिद्धांत को पुनरुत्थान किया, मतलब फिर से जगाया हुआ है, फिर से दिखाया हुआ है किसके, प्लेटो के मत को। तो आप लोग को अब इसमें जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो मुझसे जूम मीटिंग पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कई वर्ड्स होते हैं ऐसे जो आप लोग को नहीं समझ में आते हैं, तो आप लोग को जो भी कंफ्यूजन ना करें तो मुझसे जूम मीटिंग पर पूछ लीजिएगा इस वीडियो से रिलेटेड जो भी था। अब देखिए प्लेटो की मैंने इतनी सारी आप लोग को वीडियोज़ भेज दी हैं तो आपका प्लेटो क्लियर हो ही गया होगा। अब जब ये प्लेटो ख़त्म हो जाएगा तो आपका एक दिन पूरा टॉपिक समझा के एक साथ मैं आप लोग से फिर क्वेश्चन पुट अप करूँगी जूम मीटिंग में। तो अभी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।